और राइट, हमें एक नया रेड बॉस मिला है जिसका नाम है हिमलस्टाइन। आई होप मैं इसका नेम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एनीवेज, ये रेड बॉस जो है ये अब तक का सबसे यूनिक एंड द मोस्ट ट्रिकीस्ट रेड बॉस है। एंड इन दिस वीडियो मैं इस रेड बॉस की एबिलिटीज को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एंड तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसको डिफीट कैसे करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द पर्क्स एंड मे बी अ कपल ऑफ सेट जो इसके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। अगेन, मुझे सारे सेट्स पता नहीं है जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, बट सम ऑफ देम। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिफीट द रॉक। ओके, मैं मजाक कर रहा था। लेट्स डिफीट हिमलस्टाइन। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द ब्रेकडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके वॉइड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा सा यूनिक बॉस है, इसके पास सिर्फ दो लेवल्स हैं। एंड जस्ट लाइक मैग्मगायन, इसके फर्स्ट लेवल को फाइट करने के लिए तुम्हें चाहिए 12,000 वॉइड एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है कि इसके लेवल 2 के लिए कितना वॉइड एनर्जी चाहिए, बट मैं गेस कर रहा हूँ कि सिंस मैग्मगायन के लेवल 2 को एक्सेस करने के लिए तुम्हें 13,000 वॉइड एनर्जी की जरूरत है, इट्स गोना बी द सेम फॉर हिम मे बी। एंड इस रेड बॉस के पास बहुत ज़्यादा हेल्थ है, इवन एट लेवल 1 इसके पास 60,000 हेल्थ है। इवन मैग्मगायन डजंट हैव 60,000 ऑन लेवल 2, बट इसका रेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स के लिए लास्ट करता है एंड इसका हर एक राउंड 180 सेकेंड्स का है। यप, इसका राउंड जो है इट्स नॉट 45 सेकेंड्स, इट्स 180 सेकेंड्स। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं बॉस की एबिलिटीज एंड पावर्स का ब्रेकडाउन। एंड जैसे ही राउंड शुरू होगा, बॉस अपना फर्स्ट मिनी गेम शुरू कर देगा। सो इस मिनी गेम में बॉस ये सारे प्लेटफॉर्म समन कर देगा एंड तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स पे जो क्रिस्टल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। नाउ, अब तुम इसको करोगे कैसे? वेल, यू आर गोना टेलीपोर्ट। हर एक प्लेटफॉर्म पे ये ग्लोइंग पोर्टल्स हैं एंड तुम इन पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो ऑन ईच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स बाय यूजिंग योर कंट्रोल व्हील एंड द शैडो एबिलिटी बटन। जैसे ही तुम एक पोर्टल के ऊपर आओगे, तुम्हारा शैडो एबिलिटी का बटन जो है वो चेंज हो जाएगा एंड यू कैन टेलीपोर्ट। एंड ग्लोइंग साइट्स ऑन द कंट्रोल व्हील तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन से साइट्स पे टेलीपोर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप दैट वाज क्लियर। नाउ, इन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ डेंजर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेलकम फॉर दिस वॉर्ड का शैडो अटैक। ये कभी कभी अपीयर हो सकता है एंड ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म टेलीपोर्ट होगा एंड इसको डॉच करने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड दैट इज टू टेलीपोर्ट। अब जैसे कि मैंने कहा था, तुम्हें इस मिनी गेम को बीट करने के लिए इन सारे के सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना है, बट दैट्स द ट्रिकी पार्ट। सो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक अटैक से डिस्ट्रॉय होंगे। सो फॉर एग्जांपल, एक क्रिस्टल एक हैवी अटैक से डिस्ट्रॉय होगा, दूसरा क्रिस्टल एक बेसिक अटैक से डिस्ट्रॉय होगा एंड द अदर वन माइट गेट डिस्ट्रॉयड बाय ए स्पेशल अटैक। एंड समटाइम्स ये बॉस खुद तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन से अटैक्स यूज करने हैं, बट अदर टाइम्स ये बॉस लिटरली तुम्हें बताता नहीं है कि कौन सा अटैक यूज करना है ऑन विच क्रिस्टल। सो समटाइम्स तुम्हें इन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जस्ट बेस्ड ऑफ योर मेमोरी। एंड अगर तुम इन सारे क्रिस्टल्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दो, बॉस नीचे आ जाएगा एंड दिस इज द टाइम जब तुम इसको डैमेज कर सकते हो। एंड इस टाइम बॉस एक्चुअली ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ये कुछ टाइम टेलीपोर्ट करेगा बट एक्सेप्ट दैट ही विल जस्ट टेक डैमेज, दैट्स प्रीटी मच इट। एंड जब इसका ये फेज ख़त्म हो जाएगा, ये एक बार एक्सप्लोर होगा एंड फिर से अपना प्लेटफॉर्म्स वाला मिनी गेम शुरू कर देगा। ओके, सो क्या होगा अगर तुम इस प्लेटफॉर्म्स वाले मिनी गेम को फेल कर दो? वेल, दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर तुम एक गलत अटैक कर दो ऑन ए क्रिस्टल, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें बेसिक अटैक करना था लेकिन तुमने हैवी अटैक कर दिया, तो ये क्रिस्टल जो है ये एक्सप्लोड हो जाएगा एंड तुम सीधा नीचे गिरोगे टेकिंग अ बंच ऑफ डैमेज। एंड बॉस अपना सेकेंड मिनी गेम शुरू करेगा एंड इस मिनी गेम में तुम बॉस को ऑफकोर्स डैमेज नहीं कर सकते एंड बॉस बेसिकली ये बीम्स समन करेगा। ये बीम्स ऑफकोर्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से भी आ सकते हैं एंड तुम्हें इन बीम्स को डॉच करना है। डोंट वरी, इनको डॉच करना थोड़ा ईजी है। लेफ्ट एंड राइट वाले जो बीम्स हैं इनको डॉच करने के लिए तुम्हें अरीना के एब्सोल्यूट कॉर्नर में जाना है। ये पूरी तरह से अरीना के एंड तक नहीं जाते हैं, सो यू कैन डॉच देम बाय गोइंग टू द वेरी कॉर्नर ऑफ द अरीना। ऊपर से आने वाला जो बीम है इसको डॉच करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम्हें सिर्फ रोल करना है एंड यू विल डॉच द बीम। एंड एक चीज़ याद रखना कि एक ही कॉर्नर में मत रहना, क्योंकि अगर बाय एनी चांस इसका ये जो बीम है वो तुम्हारे पीछे से आ गया तो तुम उससे डैमेज ले लोगे, यू कैन डू एनीथिंग। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑल द टाइम बैटल ग्राउंड के सेंटर में रहना सो यू डोंट गेट डैमेज। एंड मैं आल्सो सजेस्ट करूँगा कि तुम एक हीलिंग पर्क
इक्विप कर लो अपने आप पे, बट विल गेट टू द पर्क्स लेटर ऑल राइट, जस्ट अ स्मॉल साइड नोट। एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ वी आएगा नीचे से, एंड इसको डॉच करना थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड बाय द वे ये भी ऑल द टाइम नहीं आएगा, ये ओनली तब आएगा जब बॉस प्लेटफॉर्म्स एंड बीम्स वाला मिनी गेम दोनों एक ही साथ में एक्टिवेट कर दे, तो इट डस डू दैट समटाइम्स, तो तुम्हें क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे व्हाइल आल्सो डॉजिंग द बीम। एंड इस बीम को डॉज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम्हें राइट टाइम पे टेलीपोर्ट करना है टू ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो अगर ये नीचे से आ रहा है, तुम एक टॉप प्लेटफॉर्म पे हो, तुम्हें नीचे टेलीपोर्ट करना है, सो यू विल डॉज इट। एंड बाय द वे अगर ये रेड बॉस प्लेटफॉर्म्स एंड बीम्स दोनों मिनी गेम्स को एक ही बार समन कर दे, तो तुम कहीं भी रोल नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू टेलीपोर्ट इंस्टेड। वेल अगर तुम इस मिनी गेम को भी सर्वाइव कर जाते हो, देन द बॉस जस्ट गोज इन टू हिज नॉर्मल फेज जहाँ पे तुम इसको डैमेज कर सकते हो। एंड अगेन एट द एंड ऑफ दिस फेज ये फ्लैश होगा एंड फिर से अपना प्लेटफॉर्म्स वाला मिनी गेम समन कर देगा। सो इस बॉस के अगेंस्ट ज़्यादा डैमेज करने का सीक्रेट ये है कि तुम्हें ये प्लेटफॉर्म्स वाला मिनी गेम जो है इसको हर एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर तुम इसको कंप्लीट कर दो देन बॉस ये सेकेंड बीम्स वाला जो मिनी गेम है उसको समन नहीं करेगा एंड तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा टू डू डैमेज टू हिम। अभी तक मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि कौन से सेट्स इसके अगेंस्ट यूजफुल होंगे, बट मैंने अपराइजर एंड टॉर्चरस नाइट में ट्राई किया था एंड आई थिंक ऐसे सेट्स जो सबसे ज़्यादा डैमेज कर सके आर प्रॉब्ली गोन बी द बेस्ट वंस, मे बी अनॉर्मली हंटर। मुझे पता नहीं है कि अनॉर्मली हंटर के इलेक्ट्रोमाइंस इसके ऊपर काम करते हैं या नहीं, बट यू कैन ट्राई इट। एंड मे बी इवन ग्लूमी स्पेक्टर, आई थिंक वो भी एक डिसेंट सेट हो सकता है, बट मुझे और भी ज़्यादा सेट्स इसके अगेंस्ट ट्राई करने पड़ेंगे। ओके नाउ लेट्स क्विकली गो ओवर द पर्क्स जो इस बॉस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। नाउ अगेन ये जो पर्क्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जनरली ऑलमोस्ट किसी भी सेट पे चले जाएंगे, बट अगर एक स्पेसिफिक पर्क है जो उस सेट को ज़्यादा एडवांटेज दे लाइक आर्मराइजेशन ऑन स्ट्रेंजर, क्योंकि स्ट्रेंजर ज़्यादा टाइम तक शैडो मोड में हो सकता है एंड आर्मराइजेशन डैमेज कम करता है बिकॉज ऑफ दैट, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर लेट्स से फोर्टिक बैरियर ऑन डिवाइन जज। बट दिस आर काइंड ऑफ लाइक द जनरल पर्क्स जो ऑलमोस्ट किसी भी सेट पे काम कर जाएंगे अगेंस्ट दिस बॉस। ऑलराइट स्टार्टिंग विथ लीजन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यूज़ करो शैडो ब्लेड्स जो तुम्हें सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग देता है ऑन यूअर शैडो अटैक्स। एंड ऑन द सेकेंड स्लॉट तुम दो पर्क्स यूज कर सकते हो, इट्स इधर शैडो नरिशमेंट जो तुम्हें देता है लाइफ स्टील ऑन शैडो अटैक्स, या फिर तुम फील्ड मेडिसिन भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ये है तो। अगेन जैसे कि मैंने कहा था एक हीलिंग पर्क इस राउंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉक इस राउंड में इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, सो यू कैंट यूज द रॉक टू डिफीट द रॉक। ओके ऑलराइट आई विल शट अप। लीजन आर्मर्स, नाउ इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पर्क है जो यूजफुल हो सकता है एंड दैट इज डैमेज रिटर्न लिटरली। ऑफकोर्स तुम प्रेडेटर भी यूज़ कर सकते हो एंड ऑफकोर्स तुम डैमेज रिटर्न यूज़ कर सकते हो उसके साथ, एक्सेप्ट दैट आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई पर्क्स हैं जो यूजफुल हैं इस बॉस के अगेंस्ट। अगेन डैमेज अब्जॉर्प्शन इज फाइन, बट ये बॉस एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास अकाउंट 12,000 वर्ल्ड एनर्जी है इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। बट अगेन दिस आर द जनरल पर्क्स जो तुम यूज़ कर सकते हो, यूज़ प्रेडेटर डैमेज रिटर्न एंड डैमेज अब्जॉर्प्शन। ऑलराइट लीजन वेपन्स, वेपन्स ऑफकोर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यूज़ करो बजर्ग फॉर सम एक्स्ट्रा डैमेज, ब्लीडिंग एज वेल अगेन फॉर सम एक्स्ट्रा डैमेज, एंड ऑन द थर्ड स्लॉट तुम यूज़ कर सकते हो शैडो बर्न या फिर लाइफ स्टील, डिपेंड्स ऑन यू। दूसरे जो भी पर्क्स हैं दे आर नॉट रियली दैट यूजफुल। एंड बाय द वे लीजन इसके लिए प्रॉबली बेस्ट फैक्शन नहीं है, लीजन के पास इतने अच्छे सेट्स नहीं है जो इस बॉस के अगेंस्ट यूजफुल हो। वेल डायनेस्टी एंड हेरल्ड्स प्रॉबली इसके लिए ज़्यादा बेटर हैं। ऑलराइट डायनेस्टी लेट्स स्टार्ट विथ द हेलमेट, ऑफकोर्स राइजिंग टाइड एंड सेकेंड स्लॉट में तुम यूज़ कर सकते हो सीक्रेट रिचुअल, या फिर अगर तुम चाहो तो वेल वॉइड चेस्ट टू पर्क्स भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट डायनेस्टी एंड आर्मर्स, एंड इस ग्रेट बॉस के अगेंस्ट डायनेस्टी एंड आर्मर्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्क है ब्रेक, क्योंकि ये पर्क तुम्हें ऑलमोस्ट एक पैसिव हीलिंग देता है जो तुम्हें मिलेगा जस्ट बाय नॉट टेकिंग एनी डैमेज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। सो ऑफकोर्स अगर तुम्हारे पास ये पर्क है तो तुम दूसरे इक्विपमेंट पीसेस पे हीलिंग पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, दिस इज मोर देन इनफ। एंड ऑफकोर्स एक्स्ट्रा डैमेज के लिए फ्लरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन द थर्ड स्लॉट वेल तुम ऑलमोस्ट कौन सा भी पर्क्स यूज़ कर सकते हो, तुम विनमस लिम्स यूज़ कर सकते हो, शैडो प्रेप ठीक ठाक है, या फिर तुम स्ट्रॉन्ग फुट भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट डोंट यूज वेंचफुट ट्राइकर
सिर्फ मोंगोस एंड स्ट्रिक्ट मास्टर, क्योंकि स्ट्रिक्ट मास्टर इतना भी यूजफुल नहीं है। एंड ऑन दी वेपन्स मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम पॉइजन यूज़ करो अमोंग विद परफेक्शन ऑफ फॉर्म। एंड ऑन द थर्ड स्लॉट तुम यूज़ कर सकते हो वुल्वरीन एंड अगेन वॉइड जस्ट टू पर्क्स लाइक कोबरा डांस, वो भी ठीक ठाक है। जस्ट डोंट यूज वीकनेस, यूनिटी एंड डिस्ट्रैक्शन एंड प्लक, बिकॉज ये पर्क्स इसके अगेंस्ट प्रीटी मच यूजलेस हैं। ऑलराइट, हेवल्स हेवल्स हेलमेट पे ऑफकोर्स द क्लासिक वेपराइजेशन एंड अक्यूमुलेशन का कॉम्बो। अगेन तुम कौन सा सेट यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम अनोमली हंटर यूज़ कर रहे हो तो तुम वेपराइजेशन के बजाय शैडो अफिनिटी यूज़ कर सकते हो। एंड तुम एम्पलीफिकेशन भी यूज़ कर सकते हो ऑन सेट्स जिनके ऊपर ये यूजफुल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिवाइन जज। ऑलराइट, हैगर डैमर्स, जैसे कि मैंने कहा था इस ग्रेट बॉस के अगेंस्ट किसी भी टाइप का हीलिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रांसफ्यूजन या फिर शैडो रेमेडी तुम यूज़ करो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सेट ये चेंज हो सकता है। एंड ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क इसके लिए होने वाला है हाफ लाइफ। तुम आर्मराइजेशन यूज कर सकते हो, अफोर्टिक पैरियर एंड कैटलिस्ट भी यूजफुल है ऑन सेट्स लाइक डिवाइन जज एंड लिंक्स। प्राइमरी प्रोटेक्शन कन्वर्जन प्रॉबली सबसे यूजलेस पर्क्स हैं ऑन लीजन, नॉट लीजन, हेरल्ड आर्मर्स फॉर दिस ग्रेट बॉस। वेपन, ओके, डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि तुम प्रिसीजन यूज करो, तुम सिंक्रोनाइजेशन भी यूज कर सकते हो या फिर टाइम बम यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास है तो प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर यूज़ करना, ये एक 180 सेकेंड का राउंड है, सो ये पर्क बहुत बार एक्टिवेट होगा। अगेन क्रिटिकल मैस आई डोंट थिंक इतना यूजफुल है बिकॉज ये बॉस ब्लॉक नहीं कर सकता है। प्रिपेयर्ड स्ट्राइक भी यूजलेस है, सेम गोज फॉर डिस्चार्ज। रिचार्ज अगेन डिपेंड्स ऑन द सेट, मे बी तुम इसको नॉर्मली हंटर पे यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो इसको लाइक करो। एंड विद दैट लेटेस्ट वीडियो स्क्रीन पे है, चेक देम आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।